सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 11वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय प्रपाठक को पिछली कक्षा में हमने कुछ देखा था, उसके 10वें खंड का प्रकरण चल रहा था, से साम यानी साधु, और साम की उपासना, साधु की उपासना, श्रेष्ठता की उपासना, और उसके विभिन्न रूप, किन किन क्षेत्रों में हम विशेषता की उपासना कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, उसका रूप बताया गया। जिस प्रकार से साम के अंदर पंचविध साम होता है, ऐसा बहुत जगह पंचविध करके बताया, और जैसे साम में सप्तविध उपासना की जाती है सात भेद करके, वैसे भी अनेक जगह पे इन्होंने बताया था। 10वें खंड का अंतिम छठा प्रभाग अवशिष्ट रहा था, जिसमें इन्होंने पीछे इन तीन अक्षरों की ही उपासना के लिए कहा था, तीन तीन अक्षर करके और अक्षरों के रूप में आत्मसम्मित इन्हीं शब्दों के अंदर ही उपासना करते हुए जो बात रखी थी, और उसमें 21वां आदित्य था और 21 से बढ़कर के आगे जो 22वां है वो नाकम तत् विशोकम यानी मुक्ति की बात कही थी, आदित्य से भी बढ़कर के ऊंचा। एक श्लोक प्रचलित है जिसमें युद्ध में मरने वाले के लिए प्रशंसा की गई है, जो युद्ध में पीठ न दिखा करके धर्म के लिए मर जाता है वो, और योगी, इन दोनों को साथ साथ बताया। तो उस समय इन दोनों के लिए कहा है, ये दोनों सूर्य मंडल मंडल भेद इन, सूर्य मंडल को भेद करके उससे भी परे चले जाते हैं। अब यूं केवल उसको देखें कि सूर्य मंडल को भेद के भी उसके परे चले जाते हैं, इसका क्या मतलब है? सूर्यमंडल सबसे ऊंची चीज हो गई हमारे इस दृश्य में, जो हम दिखाई देता है सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा। उसके दूर तारे हैं, ठीक है, वो हमारे को छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचा है वो आदित्य है, सूर्य है, हमारे द्व्युलोक का देवता आदित्य है। और उससे भी जो परे चला जाता है, तो यहां जैसे इन्होंने 21वां आदित्य कहा, और इससे भी परे की स्थिति है वो स्वर्ग की, मुक्ति की। तो योगी लोग भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ये ऊंचाई है, और उससे जीवन को बलिदान करने वाले व्यक्तियों की भी तुलना की गई है। उस तरह से वो मुक्ति को भले ही ना प्राप्त करें, लेकिन उसकी श्रेष्ठता एक बताई गई, जो धर्म के लिए युद्ध लड़ते हुए अपने जीवन का त्याग कर देता है, बहुत बड़ा त्याग है, जीवन की परवाह किए बिना, मोह न रखते हुए बलिदान हो जाता है, मर जाता है, पता है कि मैं मरूंगा तो भी वहां पर लड़ता रहता है औरों के लिए, बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ा त्याग है। तो जो अपने शरीर का ऐसे त्याग कर देता है, बलिदान कर देता है, और योगी सूर्य मंडल को भेद के उसके परे चले जाते हैं, यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इस तरह का भाव है, वो प्रशंसा के अंदर है, यानी वो बहुत अधिक पुण्य का भागी बनता है, बहुत अधिक पुण्य का भागी बनता है। हम दूसरी तरफ देखें आध्यात्मिक दृष्टि से, सबसे अधिक ऊंची चीज क्या है? मुक्ति है योगी के लिए। तो लौकिक क्षेत्र में, सकाम क्षेत्र में जो सबसे ऊंची स्थिति हो सकती है, अधिक से अधिक सुख हो सकता है, अच्छी से अच्छी स्थिति हो सकती है, वो ऐसे व्यक्तियों की हो सकती है। तो इसी के अंत में, 10वें खंड के अंत में इन्होंने कहा, आपनोति यह आदित्यस्य जयम्, यहीं पर वो आदित्य के जय को प्राप्त कर लेता है, इसी जन्म में, इसी लोक में
वहां तक की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जो इन 21 को इस तरह से अक्षरों में उसी की साम की उपासना करता है। और परोह अस्य आदित्या जयो भवति, और आदित्य से परे का भी उसका जय हो जाता है, आदित्य से ऊंची चीजों में भी को भी वो जीत लेता है और भी ऊंचा चला जाता है। कौन? यह एतद एवं विद्वान आत्मसम्मितम अति मृत्यु सप्तविधम साम उपास्ते साम उपास्ते। तो इस प्रकार से जानने वाला आत्मसमित मृत्यु से परे सप्तविध साम की उपासना करता है, साम की उपासना करता है। तो सामोपास्ते सामोपास्ते ये जो दो बार कथन किया गया है, ये सप्तविध साम की उपासना का समाप्ति का सूचक है। पहले पंचविध उपासना कही थी, ये सप्तविध उपासना कही। तो ये जो अभी तक पीछे का था, किसी साम का नाम लिए बिना पंचविध और सप्तविध उपासना का वर्णन किया गया था। अब इससे आगे का जो वर्णन होगा वो विभिन्न सामों का नाम लेते हुए होगा। उन सामों में भी ये पंचविध चीजें रहेंगी, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन, ये पांचों चीजें रहेंगी, लेकिन साथ में विभिन्न सामों का नाम लेते हुए वर्णन किया जाएगा। तो ये 10वां खंड पीछे समाप्त हुआ था, इसमें पीछे किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। अच्छा जी, ये जो पंचविध साम की उपासना है, तो यहाँ पर उद्गीत और प्रस्ताव, प्रतिहार और निधनम आदि, फिर इसमें दो और जोड़ दिए, आदि और उपद्रव। तो यहाँ पर जो द्वितीय प्रपाठक में जो 10वां खंड है और प्रथम प्रभाग से लेकर 5 तक जो गणना की गई है 21-22, इसका क्या तात्पर्य है? अक्षरों की, अक्षरों के अंदर ही बस वो साम की उपासना करता है। ये जो हिंकार आदि चीजें कही गई उसको बस केवल यहां पर अक्षरों के रूप में, यानी जो साम की उपासना की जाती है उसके लिए जितने भी शब्द थे हिंकार आदि, ये 3-3-2, ये जो अक्षरों का गणना की गई है, तो संपूर्ण साम कितना हुआ, क्यों यही नाम रखे गए, तो बोले 21 श्लोक है, 22 हैं, ये 22 क्रमशः चीजें हैं, उन सब का जो हमारी उन्नति का मार्ग हो सकता है, भिन्न भिन्न क्षेत्र उन्नति के हो सकते हैं, अंत में मुक्ति तक, और वैसे लौकिक दृष्टि से देखें तो सांसारिक की दृष्टि से तो स्वर्ग, आदित्य और उससे ऊपर मुक्ति, तो हमारी जितनी नीचे से ऊपर तक की यात्रा है उसका समावेश इस साम में किया गया है। ये एक बताने के लिए कि जब हम साम की उपासना करते हैं प्रारंभ से हिंकार, प्रस्ताव आदि, तो हम क्रमशः ऊपर 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 जा सकते हैं, इन सब की प्राप्ति इस साम की उपासना से हो सकती है। हिंकार आदि इस क्रम से हम करेंगे तो इन सब में जा सकते हैं, बस यही संकेत इसको कर सकते हैं। तो पीछे भी जो ये सारा पंचविध और सप्तविध साम का वर्णन किया गया, ये प्रतीक के रूप में है। एक तरफ साम गान आदि जब करते हैं तब ये हिंकार आदि करते हैं, वो एक गायन का अलग क्षेत्र हो गया, और जो इन्होंने अलग अलग जगह घटा करके बताया है, यहां पंचविध करे, ऐसे पंचविध करे, ऐसे सप्तविध करे, ये गान वाला नहीं है सीधा सीधा, लेकिन जैसे साम गान की श्रेष्ठता है वहां उन्नति होती है, ऐसे ही यहां पर भी है, यहां पर भी हम कर सकते हैं, और जैसे वहां 5 भाग हैं यहां पर भी उसके टुकड़े कर करके बता दिए ये 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 ये। इन सब चीजों में साधुत्व की उपासना साम की उपासना है, इन सबको अच्छे ढंग से करना साधुत्व का करना, ये साम की उपासना है। सीधे सीधे इसको साम नहीं कहा जा रहा है, और न ही साम को उठा करके यहां पर घटाया जाएगा, एक प्रतीक केवल है, जैसे वो श्रेष्ठ है और उनको यहां घटा दिया, यूं समझ लो कि ये भी साम ही है। आप यहां पर भी इस तरह साम देख सकते हो, आप यहां भी इस तरह से साम देख सकते हो, तो गान वाला ही कोई करे इस तरह से नहीं, इनको भी आप ऐसे ही उपासना कर सकते हो, इसको यहां घटाते हुए उस जैसा इसको बताते हुए यहां पर भी हम प्रवृत्त हों, यहां पर भी हम साधुत्व की उपासना करें, यहां यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो यहां भी एक तरह से साम की उपासना है, ये भी श्रेष्ठता की उपासना है, ये भी करनी है, इस प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है।
नहीं तो ध्यान में बैठ के जप करेंगे, साम का गान करेंगे, बस वो ही साम वास्तविक साम है, उसी को करने वाला ही श्रेष्ठ बनता है, ऐसा किसी के मन में आ सकता है। तो ये जो विविध चीजें बताई जा रही हैं, इनको करके भी हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। जैसे उस गायन को करके श्रेष्ठ बनते हैं, ऐसे इसको भी श्रेष्ठ करके श्रेष्ठ बनते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग श्रेष्ठ बनते हैं। तो इनको हे ना समझे कोई, ये भी करनी है। इन इनमें भी जो जिस जिस में जो रुचि रखता है, जिसकी जहां रुचि बनती है, उसको करते हुए वो भी अपनी श्रेष्ठता का संपादन कर सकते हैं। इंद्रियों की श्रेष्ठता का है, इंद्रियों और मस्तिष्क का सामंजस्य का की श्रेष्ठता का है, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का है, ये सब वो भी कर सकता है। और ऐसा करते हुए, अपनी क्षमता बढ़ाते हुए, वो भी वहां पर पहुंच सकता है आगे। तो पंचविध और सप्तविध साम की उपासना का बिना नाम लिए ऊपर जो वर्णन हुआ, अब विभिन्न सामों का नाम लेते हुए वर्णन कर रहे हैं। साम किसे कहते हैं? तो रथ, यहां आगे रथंदर, रथंतर, गायत्र, यज्ञा यज्ञी आदि नाम आएंगे सामों के। तो अलग अलग प्रकार के गान हैं, गान के प्रकार हैं। तो ये सारे के सारे शब्द हैं, ये गीति विशेष के वाचक हैं। जैसे आजकल अलग अलग राग आती है, तो कोई कौन सी राग गा रहा है, कोई कौन सी राग, जैसे शास्त्रीय संगीत में अलग अलग राग होती है, अलग अलग ताल होती है, एक उनका अपना एक विधि विधान होता है, ये ऐसे ही गाया जाता है, ये ऐसे ही गाया जाता है, ये जो अलग अलग हैं, तो उसी तरह से यहाँ बहुत सारे साम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उनके। ये जो पंचविध साम है, उसके जो पांच खंड है, वो पांच खंड इन सब में मिलेंगे। पांच जो स्तर हैं कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, यानी प्रारंभ में हिंकार किया, फिर प्रस्ताव किया, फिर उद्गीत किया, प्रतिहार किया, निधन हुआ, ये पांचों शब्द तो इन सभी सामों के अंदर आएंगे। ये मूल चीज सबके अंदर लागू होगी, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं, स्वर भेद हैं, गायन का भेद है। तो अब उन सामों का नाम ले ले करके, कि जैसे इस साम में उपासना करते हो, ऐसा यहां पर भी करोगे तो ये भी वही साम की उपासना है, यहां भी आप उसी तरह से साम की उपासना कर सकते हो। तो पंचविध नाम भी आते रहेंगे, और वो पांचविध पांच प्रकार जो है वो किस किस साम में है, उस साम विशेष का नाम भी आएगा, और उसको जैसे पहले घटा रहे थे अलग अलग चीजों में, ऐसे यहां पर भी घटाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले गायत्र साम के बारे में कह रहे हैं। अलग अलग छंद होते हैं, उन पे ये गाए जाते हैं। तो गायत्र साम नाम का, गायत्र नाम का एक विशेष साम है। वो पांचविध जो बीच के बताए, वो भी इसमें सारे पांचों इसमें भी हैं, आगे वालों में भी पांचों आएंगे, लेकिन फिर भी सब में भेद है, ये गायत्र है, विशेष प्रकार से गाया जाता है। तो गायत्र साम की को समझने के लिए, या गायत्र साम जैसा यहां पर भी कोई करेगा जिन इंद्रियों में, प्राणों में, वो उसी लाभ को प्राप्त होता है जो गायत्र साम को करता है। गायत्र का लाभ, गायत्र साम की उपासना का, गान का लाभ पता है उसको, तो उसके आधार पर इनका लाभ समझ सकते हैं, या इनका लाभ पता है तो उसे गायत्र वाले का भी समझ सकते हैं। तो द्वितीय प्रपाठक का 11वां खंड, प्रथम प्रवाक, मनोहिंकारो, वही पांचों को लेंगे हिंकार में, तो मन हिंकार है, हिंकार के समान है, या उपमा दे लेते चलेंगे। जैसे गायत्र साम में हिंकार होता है, ऐसे यहां पर प्राण को मन को समझ लिया, मनोहिंकारो। वाक प्रस्ताव, वाणी प्रस्ताव है, चक्षुर उद्गीत, नेत्र उद्गीत है, श्रोत्रम प्रतिहार है, श्रोत्र जब प्रतिहार के समान है, और प्राणो निधनम, प्राण जो नासिका में चलता है वो निधन के समान है। एतत् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम, तो ये जो गायत्र छंद है, ये प्राणों में यानी इंद्रियों में प्रोत है, उसमें छुपा हुआ है। जैसे ओत प्रोत शब्द हम बोलते हैं, लिप्त है, अंदर प्रविष्ट है, अच्छी प्रकार से गया हुआ है। तो जो गायत्र साम है वो इन प्राणों के अंदर घुसा हुआ है। तो जब इनकी इनको जो जान करके करता है, आगे देखिए, स या एतद एवं गायत्रम प्राणेषु प्रोतम वेद, जो ये जान लेता है कि ये जो गायत्र साम है, ये तो प्राणों में ही घुसा हुआ है, प्राणों में ही विद्यमान है, तो उससे क्या हो जाता है? बोले प्राणी भवति, वो प्राण वाला हो जाता है।
प्राणी तो हम सब हैं ही, हम क्यों प्राणी हैं? हमारा जीवन चल रहा है, हम प्राण लेते हैं इसलिए प्राणी हैं। यहां प्राण किन के लिए कहा? इंद्रियों के लिए कहा था। नासिका वाला प्राण भी है जो अंतिम है, पहले भी ऐसा ही आया था बीच में। लेकिन जो ये जान लेता है कि ये गायत्र साम प्राणों के अंदर विद्यमान है, वो प्राणी हो जाता है। अब ये सब जगह वैसे ही घटाएंगे जैसे कि फिर वो धनवान हो जाता है। धन सबके पास है लेकिन विशेष धन वाला होता है, उपयोगी हो जाता है। तो वास्तव में प्राणों का उपयोग करने लगता है, इंद्रियों का उपयोग करने लगता है, तो प्राणी प्राण वाला हो जाता है, इंद्रियों वाला हो जाता है। और लाभ क्या होता है? सर्वम आयु रहती, वो सारी आयु को प्राप्त कर लेता है। सारी का मतलब है संपूर्ण आयु को, जितना मनुष्य जी सकता है ऐसी संपूर्ण आयु को वो प्राप्त करता है, नहीं तो बीच में मृत्यु हो जाती है। सर्वम आयु रहती, ज्योग जीवती, लगातार जीता रहता है, निरंतर जीता रहता है, देर तक, चिरकाल तक जीता रहता है, बहुत देर तक जीता रहता है, पूरी आयु को प्राप्त करता है और लंबा जीवन जीता है वो। महान प्रजया पशुभिर भवती, प्रजा और पशुओं से वो बढ़ जाता है, संतानें बहुत होती हैं उसकी, पशु आदि बहुत होते हैं, ये यानी शक्ति के रूप में है, साधन उसके बहुत हो जाते हैं। महान कीर्तिया, और कीर्ति से भी वो महान हो जाता है, उसका यश बहुत फैल जाता है। गायत्र छंद की उपासना की जाती है, गायत्र साम को बोला जाता है, और जो ये समझ लेता है कि गायत्र तो इन प्राणों में ही ओतप्रोत है, इन प्राणों की ही, इन इंद्रियों की ही इस ढंग से उपासना करने लगता है, इनकी श्रेष्ठता की उपासना करने लगता है, तो एक तरह से वो गायत्र की ही उपासना, गायत्र साम की उपासना कर रहा है, और वो इन सब चीजों में बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। जिन प्राणों की उपेक्षा नहीं करनी है, जिस प्रकार आदर श्रद्धा से हम गायत्र साम को करते हैं, उसके लिए जो विधि विधान है, आदर है, श्रद्धा है, प्रयत्न है, ऐसा इन इंद्रियों के प्रति भी हमें रखना है, तो श्रेष्ठ हो जाता है, महान हो जाता है, यशस्वी हो जाता है। तो ऐसे में आप प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे को व्रत क्या लेना चाहिए, तो महामनः स्यात् तत्व्रतम्, हम महान मन वाले बन जाएं, बहुत अधिक मन की शक्तियों से युक्त बन जाएं, ऐसा हमें व्रत कर लेना चाहिए। अब ये मन बहुत अच्छा बन जाए वो कैसे होगा? तो इसमें इन सब इंद्रियों की, गायत्र छंद, गायत्र साम इनमें विद्यमान है, तो ये मान करके इनकी भी उपासना करें, इनको भी श्रेष्ठ बनाए, तो महामना हो जाता है। व्यक्तियों के आगे भी महामना बोलते हैं ना, किनके आगे बोलते हैं? महामना मदन मोहन मालवीय, एम 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 एम, म म म म, महामना मदन मोहन मालवीय, चार एम है उसमें। कोई नाम होता है ना, अब यूं बोल दें महामना मदन मोहन मालवीय तो उतना आकर्षक नहीं होता ना, तो जैसे IIIT, IIT, IIIT, तो चार के लिए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? क्वार्टर है, टेट्रा, टेट्रा, तो टेट्रा एम। तो कॉलेज का एक नाम था, मैं जिस आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ा उसका नाम था महामना मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में जो है। तब ये नाम ले तो यूं लगता है कि पता नहीं कोई यूं होगा कोई, तो वो अंग्रेजी में करके वो टेट्रा या जो भी बोलते हैं, कई जने बोलते हैं जो चार एम, जैसे IIIT है तो टेट्रा एम राजकीय वो मेडिकल कॉलेज या कॉलेज, ऐसा करके तो बहुत अच्छा नाम लगने लगता है ना, मैं ऐसा रहस्य होता है ना, अगर पूरा नाम खोल दिया महामना मदन मोहन मालवीय है तो रहस्य खुल गया, फिर तो कोई बात नहीं रहती है। एम 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 आयुर्वेद कॉलेज, तो पता नहीं रहस्य रहता है ना, एम का मतलब क्या, बहुत सारी चीजें हो सकती है, एम से क्या क्या ले सकते हैं, तो रहस्य में बात रहती है ना, तो हमारे को रुचिकर रहती है उसको लोक में ऐसा जो प्रचलित है। तो ये महामना हो जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय बहुत बड़े चिंतनशील थे, बहुत कुछ सोचा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, उदार मना थे, बहुत विशाल चिंतन उनका रहा, महापुरुष एक हो गए।
तो महामनस्यात् तद्व्रतम, ये व्रत हमारे को लेना लेना मनुष्यों के लिए, हमारे लिए प्रेरणा करने, मैं महामना हो जाऊं ऐसा व्रत। तो ये व्रत लेकर के फिर इन इंद्रियों की उपासना करेगा वो, इनमें गायत्र साम की तरह से उपासना करेगा, समझेगा जैसे गायत्र साम है वो इन्हीं में ओतप्रोत है, इसी में घुसा हुआ है, इसी में विद्यमान है, से जुड़ा हुआ है, तो इनके ऊपर भी करने लगता है। और जब वो इनकी साधना कर रहा होता है, इनको बढ़ा रहा होता है, तो उसको ये नहीं लगता है कि मैं कुछ और कर रहा हूं, लक्ष्य ऊंचा रहता है, लक्ष्य ऊंचा रहेगा लेकिन इंद्रियों की साधना करेगा। इंद्रियों की साधना इंद्रिय भोगों के लिए भी की जा सकती है, सौंदर्य के लिए भी की जा सकती है, लोकेष्णा की पूर्ति के लिए और इन सब के लिए भी की जा सकती है। तो ये तो चूंकि उपासना का प्रसंग चल रहा है, आध्यात्मिक विषय चल रहा है, तो यहां अच्छे लक्ष्य के लिए इन सब की श्रेष्ठता के लिए यत्न करना, प्रयत्न करना, ये इसका उपदेश हो गया। तो महामना स्यात् तत्व्रतम्। व्रत मुनि जी बहुत व्रत आएंगे इसके अंदर, आपको बहुत से व्रत लेते, व्रत लेते रहते हैं मुनि जी, इसलिए इन्होंने अपना नाम पसंद किया व्रत मुनि। व्रतों की चर्चा करते हैं सबसे, आपका क्या व्रत है, आपका क्या व्रत ले रखा है आपने अपने जीवन के लिए, अभी कौन से व्रत का पालन कर रहे हैं, अभी एक एक करके बहुत सारे व्रत आएंगे। तो महामना स्यात् तत्व्रतम्, एक व्रत ये का। अगला खंड देखिए 12वां। तो गायत्र साम के लिए देखा हमने, और इसके आगे अब रथंतर साम के बारे में बोल रहे हैं। ये एक दूसरा साम है, गायन का प्रकार है, भिन्न ढंग से चीजें वही आएंगी, हिंकार आदि पांचों, लेकिन तरीका अलग है। तो जो रथंतर साम की उपासना करते हैं, या यूं कहो कि उस ऋचा का ऋच्युढ़ सामगी है, तो एक ऋचा ली और उस पर रथंतर साम का गायन करता है, जो विशेष प्रकार से गान करता है, किसी ने गायत्री साम का किया, किसी ने रथंतर साम का कर रहा है, वो जो है वैसा ही यहां कहां पर है। तो अब अग्नि मंथन और इसके ऊपर लिया, तो देखिए पहला 12वें खंड का, अभिमंथति सा हिंकारो, जो मंथन करते हैं अग्नि मंथन वाला, जो मंथन करते हैं घुमाते हैं और अग्नि बनती है, सोमयाग आदि में जो होता है, जिस तरीके से लकड़ी पे लकड़ी रख करके उसको मथा जाता है, तो अभिमंथति सा हिंकारो, जब उसमें मंथन करते हैं, ये जैसे कि हिंकार है, रथंतर साम का जो हिंकार है वो ये मंथन कर रहे हैं, ये ऐसा है जैसे कि रथंतर साम का हिंकार हो रहा हो, धूमो जाए थे ऐसा प्रस्ताव हो, और जब उसको रगड़ते हैं फिर धुआं आने लगता है। आगे आप लोगों को लेके चलेंगे, आगे जब मीमांसा चलेगा, जो मीमांसा पढ़ रहे होंगे, तो सोमयाग में जिन्होंने देखा है ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखेंगे, तो करते हैं उसमें धुआं आने लग जाता है, फिर तो जो धुआं उठता है, धूमो जाए थे ऐसा प्रस्ताव हो, वो रथंतर साम का जो प्रस्ताव है वैसा ये धुआं उठ रहा है, उसका प्रस्ताव हो गया। ज्वलति सा उद्गीत हो, रथंतर साम में जो उद्गीत है, यहां पर जो उसमें अग्नि आ जाती है, अग्नि प्रकट हो जाती है गर्मी के कारण से, रगड़ने से, वो उद्गीत है। अंगारा भवंती सब प्रतिहारा, तो उसमें अंगारे आ जाते हैं, टुकड़े जैसे अंगारे लकड़ी के जलते हैं, वो प्रतिहार है। लपटें होती हैं, वो तो उद्गीत हो गया अग्नि, और लपटें जलने के बाद में जब कोयले कोयले रह जाते हैं, अब लपटें तो नहीं आती उसमें, लेकिन अंगारे रहते हैं, ये है प्रतिहार। उद्गीत सबसे ऊंचा होता है, प्रतिहार फिर ढलने लगता है, जैसे हमने सूर्य के में भी देखा था, ऊपर है और फिर ढलान की तरफ जा रहा है, वो प्रतिहार की तरफ जाएगा, फिर निधन की तरफ चला जाएगा। तो अंगारा भवंती सब प्रतिहार, उपशाम्यति तन निधनम, जो शांत हो जाता है वो क्या कहलाता है, निधन कहलाता है। और संशाम्यति, और पूरी तरह से शांत हो जाता है, बिल्कुल राख बन गया, तन निधनम, उसको भी निधन कह सकते हैं। निधन को दो ढंग से खोल दिया, या तो वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, शांत हो गए हैं, वो भी निधन है, और बिल्कुल ही शांत हो गया है, उसको भी निधन कह सकते हैं, दोनों को कोई सा भी ले लो। एतत् रथंतरम अग्नौ प्रोतम, ये जो रथंतर साम है, गान वाला साम है, वो जैसे कि इस अग्नि में ही प्रोत है, अग्नि में छुपा हुआ है। तो जब ये जान लेता है, तो स या एतत् रथंतरम अग्नौ प्रोतम वेद, इस अग्नि में ये जो प्रक्रिया है, इसमें रथंतर साम प्रोत है, ये जो जान लेता है, ब्रह्म वर्चसी अन्नादो भवति, ब्रह्म वर्चस वाला, ब्रह्म तेज वाला, ब्रह्म के ज्ञान वाला वो हो जाता है, बहुत प्रशंसा है। अन्नादो भवति,
अन्न को खाने वाला हो जाता है, अन्न को अधिकतर पचाने वाला, उपयोग लेने वाला हो जाता है, साधनों का उपयोग करने वाला हो जाता है। सर्वम आयु रहती, पूरी आयु को प्राप्त करता है, जोग जीवती, निरंतर लगातार जीता रहता है देर तक। और महान प्रजया पशुभिर भवती, महान कीर्तिया, प्रजा पशु और कीर्ति से महान हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बिल्कुल पीछे वाला है वैसा ही है, कुछ कुछ अंतर करते हैं। अब और अंतर करते हैं, न, अब एक व्रत और बता रहे हैं, न प्रत्यंग अग्निम आचमेत, अग्नि के सामने आचमन न करें, न निष्ठिवेत और न ही उसके सामने थूके तत्व्रतम, ये एक व्रत है। अग्नि सामने है तो, अग्नि सामने हो तो आचमन नहीं करें, जिस समय अग्नि प्रज्वलित है उस समय आचमन नहीं करें। तो आचमन अग्नि प्रज्वलन के पहले किया जाता है, पहले आचमन करते हैं फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि जला दी और अब आचमन कर रहा है वो न करें। न निष्ठिवेत और अग्नि के सामने थूके भी नहीं, अग्नि में थूके भी नहीं, ये एक व्रत है। तो अग्नि एक तरह से बढ़ने का काम है, परोपकार का काम है, यज्ञ को हम ले लें तो आचमन करते हैं तो यज्ञ का काम, अग्नि का काम, बढ़ने का काम करते हैं तो हम जो झूठ बोलते हैं, विपरीत आचरण करते हैं, उसको शांत करते हैं कि मैं इस कार्य के समय कम से कम झूठ नहीं बोलूंगा या परोपकार के काम में कुछ मिथ्या इधर उधर नहीं करूंगा। सामाजिक कार्य है, परोपकार का कार्य, इसमें मैं मिथ्या नहीं करूंगा। एक व्रत है, शतपथ ब्राह्मण में ये किया जाता है, आचमन इसीलिए करते हैं कि मनुष्य है वो असत्य बोलता है, सत्यम वही देवा अनृतम मनुष्य, मनुष्य वो झूठा होता है, झूठ बोलता है, गलतियां करता है, सत्य बोलने वाला वो तो देव हो गया। अब जब वो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ देवीय कर्म है, तो उससे पहले आचमन करते हैं, क्योंकि जल पवित्र है, शुद्ध है, उसको प्रतीक के रूप में लेते हैं, व्रत के रूप में लेते हैं। तो पहले तो अग्नि जला ली, पहले तो परोपकार करने लग गए और फिर आचमन कर रहे हैं। पहले आचमन हो जाना चाहिए, यज्ञ करने से पहले, अग्नि जलाने से पहले, बड़ा काम करने से पहले, पहले हम आचमन कर लें, अपने को शांत कर लें, सत्य पे स्थिर हो जाएं। उन्नति करनी है, अग्नि की तरह बढ़ना है तो पहले अपने अपने को ठीक कर लें, नहीं तो वो उन्नति उसको अवनति की तरफ ले जाएगी। झूठ छल कपट करते रहे और बढ़ने के काम भी करते रहे तो वो शक्ति, सामर्थ्य, यश वो गलत चीजों में चला जाएगा, विकृत हो जाएगा उसका। और अपने को पहले ठीक किया और फिर अग्नि को बढ़ाया, वृद्धि की, तो अब ठीक तरह जाएगा, हम उसका उपयोग कर सकेंगे। तो अग्नि के सामने नहीं करें, यानी अग्नि जलने से पहले आचमन कर ले, इन कार्यों को करने से पहले व्रत ले ले। तो न प्रत्यंग अग्नि आचमेत, न निष्ठिवेत तत्व्रतम, और उसको थूके भी नहीं। हम थूकते किसके ऊपर है? अगर जानबूझ के हम थूक रहे हैं कहीं, एक तो वैसे है कि भाई हमारे को कुछ थूकना है वैसे ही थूक दिया, लेकिन हम थूक रहे हैं किसी के ऊपर, वो कब थूकते हैं? जब उसके प्रति हमारा गुस्सा होता है, जब द्वेष होता है, हम उसका अपमान करना चाहते हैं, तब हम थूकते हैं, सामान्यतः नहीं थूकते। लेकिन जिसके प्रति उपेक्षा का भाव, वैर का भाव, विद्वेष का भाव होता है तो हम उस पर थूकते हैं, अग्नि पर नहीं थूकते। जो हमारी वृद्धि के कार्य हैं, जो हम परोपकार के कार्य हैं, उनकी आलोचना नहीं करें, उन्हीं पर ही न थूके, उनकी निंदा नहीं करें, उनको अपमानित न करें, उनको उपेक्षित न करें, उन कार्यों को और उन कार्यों को करने वालों को। ये एक व्रत है, बहुत बड़ा व्रत है। अब इसको बिल्कुल हम सामान्य ले लेंगे तो ठीक है भाई, अग्नि पवित्र है, अग्नि देवता है, अग्नि देवताओं का मुख है, सब देवाओं में, देवों में अग्रणी है, इस रूप से इस अग्नि का भी महात्म्य बहुत हमारे को मिलता है। कोई कहने लगे कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, अग्नि सामने है और लो आचमन कर लिया, क्या फर्क पड़ा, तो अग्नि चल रही है लो मैं इसमें थूक देता हूं, क्या फर्क पड़ा। यज्ञादि में हो कोई थूकेगा तो ठीक है, अलग दुष्प्रभाव पड़ता है, वो मानसिक प्रभाव होता है, लेकिन वैसे कोई थूक दे अग्नि के अंदर तो ये तो क्या है। लेकिन उसको जब हम प्रतीकात्मक रूप से वैसे देखेंगे तो आचमन और थूकना प्रतीक के रूप में देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा व्रत है। ये कौन सा व्रत हुआ बोले, इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है, ये बहुत कठिन व्रत है। कार्य करने से पहले अपने को ठीक बना ले, सत्य पहले आए, शांत करे, तब परोपकार और अपने को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो, विकृत हो जाएगा नहीं तो, और उनका अपमान भी नहीं करे, अग्नि का, बढ़ने का, कोई दूसरा बढ़ रहा है, हम खुद बढ़ रहे हैं,
उसकी आलोचना निंदा ना करें। तो ये एक व्रत है और ये साधुत्व का व्रत है, ये एक तरह का साम का है, ये एक तरह की सामोपासना है, ये रथंतर साम का व्रत। ठीक है, आगे देखिए। अब वामदेव साम होता है, एक वामदेव गान भी करते हैं, साम का एक प्रकार है वामदेव, ये तीसरा नाम लिया जा रहा है, गायत्र, रथंतर और वामदेव, ऐसे और भी बताते जाएंगे, यहां इन्होंने थोड़े बताए हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, कुछ कुछ इन्होंने कुछ यहां पर गणना की है मुख्य मुख्य कि यह जो इनको हुआ। तो देखिए इसमें कहा उपमंत्रयेत सहिंकारो, अब यहां जोड़े के लिए कहा जा रहा है, स्त्री पुरुष के लिए कहा जा रहा है, वो भी जीवन का एक व्यवहार है, एक वास्तविकता है। तो उपमंत्रयेत जो सलाह करता है, बातचीत करता है, वो एक तरह से हिंकार है, जैसे वामदेव गान में हिंकार होता है साम में, ऐसे ये एक तरह का हिंकार है, पहले आपस में बातचीत करना, सहमत होना, चर्चा करना। तो उपमंत्रयेत निकट होकर के, पास बैठ करके मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, कुछ कहते हैं। तो उपमंत्रयेत सहिंकारो, ये हिंकार की तरह से, ये भी साम उपासना की तरह लिया जा सकता है, उसी तरह से इससे अपने गुणों को बढ़ाया जा सकता है, श्रेष्ठता की जा सकती है, जिनको इस मार्ग पर जाना है, सबके लिए नहीं है ये। जपयते सप्रस्ताव, और जब वो विदित कर देता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जीवन जीऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, ये जो जपन करता है, प्रतिज्ञा करता है, वचनबद्ध होता है, ये प्रस्ताव है। प्रस्ताव रखते हैं, जैसे पुरुष महिला के सामने, महिला पुरुष के सामने जो रखते हैं, प्रस्ताव रखना, ये दूसरा हो गया। ये साम रथंतर वामदेव साम से जोड़ते हुए कह रहे हैं, तो हिंकार और उसके बाद में प्रस्ताव, ऐसा ही होता है स्वभावतः, ये नहीं भी जानते तो भी यही प्रक्रिया चलती है, लगभग यही प्रक्रिया चलती है। ये भी एक तरह की साम की उपासना है, ठीक ढंग से हो रही है तो, उचित ढंग से हो रही है तो, धर्मपूर्वक हो रही है तो। तो जपयते स प्रस्ताव, आगे स्त्रिया सह शेते स उद्गीत, स्त्री के साथ में सोता है, पास में सोता है, या विपरीत भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष के साथ में सोती है, तो ये उद्गीत है, ये तीसरा भाग हो गया। और प्रति स्त्रीम सह शेते सब प्रतिहार, और वो स्त्री की ओर मुख करके सोता है, ये प्रतिहार है, पिछला जो सोना था वो उसकी तरफ मुख करके सोना नहीं था, सामान्य सोया हुआ है, अब उसकी तरफ जो मुख करता है ये प्रतिहार है, ये अगला भाग हो गया। कालम गच्छति तद निधनम, और उसमें समय व्यतीत करता है, कुछ काल बिताता है, कुछ देर विशेष समय रहता है, तो कालम गच्छति समय बिताता है, समय पूर्वक रहता है, तो ये एक तरह से निधन है। और पारम गच्छति पूर्णता को प्राप्त करता है, तद निधनम वो भी निधन है, ये पांचवा भाग हो गया। तो तद वामदेवम मिथुने प्रोक्तम, जोड़े के अंदर ये वामदेव को कहा गया है, मिथुन में भी जोड़े में भी वामदेव को देखा जा रहा है, ये भी एक तरह की साम की उपासना इस रूप में यहां पर देख रहे हैं। और ऐसा जो करता है, यानी इस कार्य को भी, जो उस मार्ग पर जाते हैं और इस कार्य को उचित ढंग से करते हैं, रीति से करते हैं, उनको क्या होता है, तो स य एवं एतद वामदेवम वामदेव्यम मिथुने प्रोतम वेद, जो जानता है कि ये जो वामदेव साम है, ये एक तरह से ये मिथुन के अंदर प्रोत है, उसके अंतर्गत विद्यमान है, तो मिथुनी भवति, वो जोड़ा बन जाता है उनका। और मिथुनात मिथुनात प्रजायते, मिथुन मिथुन से वो संतानें उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न कर सकता है, यानी अच्छी संतानें उत्पन्न कर सकता है। सर्वम आयु रेति, और आयु भी उसकी लंबी होती है। ज्योग जीवति, निरंतर जीता है। महान प्रजया पशुभिर भवति, प्रजा और पशु उसके बढ़ जाते हैं, प्रगति होती है। महान कीर्ति, उसका यश भी बढ़ता है। यहां तक की बात कही, और इसमें व्रत क्या रखना है, श्रेष्ठता का भाव क्या है, तो न कांचन परिहरेत तत्व्रतम। कांचन किसी को भी, काम जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग है, द्वितीय एक वचन, कांचन किसी भी स्त्री को, किसी भी महिला को न परिहरेत, परिहरण न करे, बलात् न करे, अपहरण न करे, दुरुपयोग न करे, ये एक व्रत होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा व्रत है।
तो दोनों की सहमति से विवाह पूर्वक, ज्ञापन पूर्वक, घोषणा पूर्वक जो होता है वो एक इसकी विधि है, वो भी एक तरह का साम है, ये भी वामदेव साम है। इसको भी अच्छे तरह से जो करता है वो साधुत्व की उपासना कर रहा है, वो श्रेष्ठता की उपासना कर रहा है, इससे वो श्रेष्ठ बनता है। अगला देखिए 14वां खंड। अब बृहत साम के बारे में कहा जा रहा है। बृहत ये भी एक नाम है, जैसे रथंतर था, वामदेव्य था, ऐसे बृहत साम नाम का एक साम होता है बृहत। उसके हिंकार आदि एक एक करके बता रहे हैं। तो इसको सूर्य के अंदर किया जाता है, जैसे पहले भी आदित्य में आया था, यहां भी बता रहे हैं। तो उद्यन हिंकार, उगता हुआ सूर्य जो है वो हिंकार है। उदित प्रस्ताव, वो जो उदित हो गया है वो एक तरह से प्रस्ताव है। मध्यान्ह दिने उद्गीत हो, दोपहर हो गई है तो उद्गीत हो गया, सबसे ऊंची स्थिति है। और अपराह्न प्रतिहारो, दोपहर के बाद का, दिन का बाद का भाग है वो प्रतिहार है। और अस्तम यन निधनम, जो अस्त हो गया है वो उसका निधन है। एतद् बृहत् आदित्य प्रोक्तम, ये जो बृहत् साम है, बृहत् नाम का साम है, ये जैसे कि आदित्य में से जुड़ा हुआ है, आदित्य में प्रोत है, उसमें घुसा हुआ है, तो उधर बृहत् साम की उपासना करते हैं, ऐसे ये आदित्य के अंतर्गत भी कर लेता है। इससे क्या होता है, स य एवं एतत् बृहत् आदित्य प्रोतम वेद, आदित्य में इस बृहत् साम को युक्त, उससे जुड़ा हुआ, संबद्ध समझता है, तो तेजस्वी अन्नादो भवति, तेजस्वी हो जाता है, क्योंकि आदित्य तेजस्वी होता है, ये भी तेजस्वी हो जाता है, अन्नादो भवति, अन्न को खाने वाला हो जाता है, पचाने वाला हो जाता है। बाकी चीजें वैसे ही समान है, सर्वमायु रहती, जोग जीवती, महान प्रजया पशुभिर भवती, महान कीर्त्या, सब में लगातार ऐसे ही आएगा। ये सभी कुछ गुण तो सब में समान बढ़ेंगे और कुछ गुण कहीं कहीं विशेष बढ़ेंगे, वो भी अलग अलग बताते जा रहे हैं। जैसे कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग खेल खेलें तो कुछ चीजें तो सब में समान होंगी, वही आपकी भूख बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, पाचन अच्छा हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, तनाव दूर होगा। अब उन उन खेलों में अलग अलग जिन जिन हाथ पैर का, जिन जिन अंगों का अधिक उपयोग होता है, उन उनकी शक्ति बढ़ जाती है, उस तरह की शक्ति बढ़ जाती है, तो वो कुछ भिन्नता भी रहेगी और कुछ समानता भी रहेगी। कोई भी खेल खेल लो, कुछ चीजें तो समान रूप से, क्योंकि व्यायाम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, तो वो तो सब जगह समान रूप से बढ़ेगी। कितने भी तरह के व्यायाम कर लो, चाहे दौड़ लो, चाहे तैर लो, चाहे साइकिल चला लो, दंड बैठक लगा लो, कुछ चीजें तो समान बढ़ेंगी लेकिन विशेष भी कुछ कुछ होगा। तो ये बीच में जो समान आ रहे हैं वो सबके अंदर होता रहेगा और कुछ कुछ विशेष भी बता रहे हैं। अब इसके अंदर व्रत बता रहे हैं, तो तपंतम न निंदे तत्व्रतम, जो तप रहा है, जैसे कि आदित्य तप रहा है, आदित्य तपता है, तो तपते हुए की निंदा ना करें, ये एक व्रत लेगा। सूर्य जब सुबह सुबह उगता है अच्छा लगता है हमें, गर्मी के दिनों और जब दिन में ऊपर सूर्य तप रहा होता है तो हमें दिक्कत होने लगती है, जीव सहन नहीं कर पाते हैं उनको, और उसको निंदित भी होते हैं, उपेक्षित हैं, कब सूरज ढलेगा, अभी तो बहुत तप रहा है, इस तरह के वाक्य, इस तरह के भाव हमारे होते रहते हैं। जैसे आदित्य के प्रति भी इसका तपना भी हमारे लिए हितकर है, ये बात रहेगा तो हम निंदा नहीं करेंगे, हम सुबह शाम की प्रशंसा करते हैं गर्मी के दिनों में, और सर्दी के दिनों में तपते हुए की प्रशंसा करते हैं, सुबह शाम की या रात्रि की निंदा करते हैं कि उसमें ठंडक है, तो तपते के वे की निंदा ना करें। गर्मी के संदर्भ में, ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में हमारे को अधिक कटेगा, वहां पर लेंगे, क्योंकि निंदा तो तभी करेगा जब व्यक्ति उससे कुछ हानि देख रहा है या दोष देख रहा है, अपना अहित देख रहा है, निंदा तो तभी करेगा ना, दोष हानि देख रहा है, तो इसकी तपते हुए की निंदा ना करें। अब इसके पीछे का भाव ये है कि हम इस बात को समझ सकें, ये भी हमारे लिए हितकर है, परमात्मा ने जो भी व्यवस्था की है, चाहे वो तप रहा है चाहे कम है, वो हमारे लिए अलग अलग ढंग से उपयोगी है। उगता हुआ सूर्य अलग ढंग से उपयोगी है और तपता हुआ सूर्य अलग ढंग से उपयोगी है। सूर्य ढंग से नहीं तपे, ग्रीष्म ऋतु ढंग से नहीं हो, तो पुराने लोग भी बोलने लगते हैं कि इस बार बारिश नहीं आएगी, ढंग से तपा ही नहीं है सूर्य, तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं, तो उसका तपना भी हमारे लिए हितकर है। अलग अलग फसलें, अलग अलग फल, वो सारी चीजें होती हैं, तो जो तपता हुआ सूर्य है इसकी निंदा ना करे, ये बहुत बड़ा व्रत है।
हमें शारीरिक रूप से कष्ट लग रहा है लेकिन फिर भी निंदा ना करें, न निंदेत आता जाएगा, आगे आता जाएगा, अभी कई चीजों में बताएंगे, इसकी निंदा ना करें। और वैसे भी व्यवहार में भी, ये तो आदित्य में है, और कोई मान लो सूर्य के समान तप रहा है, बहुत क्रियाशील है, सूर्य तप रहा है मतलब अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से ऊर्जा प्रकाश ताप हमें दे रहा है, तो ऐसे ही कोई व्यक्ति करा और उससे हमें कुछ कष्ट भी हो जाता है लेकिन वो दे रहा है, तो उसकी निंदा ना करें, दोष ना देखे उसके अंदर, निंदा का निषेध किया। तो तपंतम ना निंदे, जो तप रहा है उसकी निंदा ना करे, तप रहा है वो अच्छा है, प्रशंसा करनी चाहिए उसकी, सूर्य के समान बढ़ा हुआ है, अपने कार्यों को कर रहा है, समाज में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत कार्य कर रहा है, तो ऐसा जो तप रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्ति तपते रहते हैं, तप कर रहे होते हैं, उन तप करने वालों की निंदा ना करें। बढ़ा हुआ है एक इस दृष्टि से देख लीजिए, उत्कर्ष पे है, बड़े वैज्ञानिक हैं, प्रशासक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन भी क्षेत्रों में वो जो बढ़े हुए हैं, अभी खूब प्रकाशित हो रहे हैं, उनकी निंदा ना करें। और जो अपने को खपा रहा है, जैसे सूर्य अपने को जलाता है, तपता है, अपने को जला के हमारे को ऊर्जा देता है, ऐसे कोई तप रहा हो और अब तप करके दूसरों के लिए कुछ कर रहा है, चाहे माता पिता बच्चों के लिए करें, बच्चे माता पिता के लिए करें, या कोई समाज के लिए लगा हुआ है, लोगों के उपकार के लिए लगा हुआ है, तप रहा है वो, दूसरों के हित के लिए लग रहा है, या स्वयं साधना में तप रहा है, अपने उत्कर्ष के लिए, हित के लिए, अच्छे की साधना कर रहा है, ऐसे की निंदा ना करें, तपंतम ना निंदेत। तो ये ऐसा करता है तो एक तरह से बृहत की उपासना कर रहा है वो, बृहत साम जो करते हैं वैसा फल इसको भी मिल जाएगा, ये व्रत है, बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए 15वां खंड, अप्राणी, एक वैरूप नाम का साम आता है, उसके लिए यहां पर कहा जा रहा है वैरूप साम। तो उसमें वही हिंकार आदि देख रहे हैं, तो अभ्राणी संप्लवंते सहिंकारो, बादल थोड़े थोड़े से आ जाते हैं धुंध से और हल्के हल्के, वो एक तरह से हिंकार है। मेघ हो जाए थे ऐसा प्रस्ताव, जब वो घने हो जाते हैं, मेघ के रूप में आ जाते हैं, गहरे दिखते हैं, काले दिखते हैं, वो एक तरह से प्रस्ताव है। वर्षति से उद्गीत हो, बरस रहा है तो ये उद्गीत हो गया। विद्योतते स्तनायति से प्रतिहार, वो प्रकाशित होता है, यानी तो बिजली कड़कती है तो उस समय प्रकाश आता है और साथ में ध्वनि भी आती है, तो स्तनायति कड़कती है, प्रकाशित होता है बादल, वो एक तरह से प्रतिहार है। और उद्गृहणाति तन्निधनम, और जो अपने को समेट करके जाता है, बरस चुकता है, अब खाली हो गया है, ये उसका निधन है। एतद् वैरूपम पर्जन्य प्रोतम, जो वैरूप नाम का साम है, ऐसे समझे जैसे कि इस पर्जन्य में ये पूरी प्रक्रिया जो है बादल से लेकर के बरसने तक और हल्के पड़ने तक, बरस करके बादल उड़ करके चले जाते हैं खाली होकर के, तो ये भी ये वैरूप साम के समान समझना चाहिए। वैरूप साम जैसे कि इसमें ओतप्रोत है, तो इसकी भी इसको भी उपासना करें, तो स या एवं एतद् वैरूपम पर्जन्य प्रोतम वेद, ये समझ लेता है कि ये जो वृष्टि की प्रक्रिया है इसमें जैसे वैरूप साम घुसा हुआ है, ऐसा जो जान लेता है तो क्या लाभ होता है। विरूपांश्च स्वरूपांश्च पशुन अवरुद्ध है, विभिन्न पशुओं को जो विविध रूप वाले हैं, विरूप वाले, विरूप का एक अर्थ होता है विकृत रूप, लेकिन यहां तो चूंकि लाभ मिल रहा है तो ये प्रशंसा के अर्थ में, विविध रूपों वाले, विभिन्न रंग वाले, विकृत नहीं, विविध अच्छे अच्छे रंग वाले, विविध रंग वाले तरह तरह के, और स्वरूपांश्च और सुंदर रूप वाले पशुओं को रोक पाता है, बांध पाता है, बचा पाता है। बाकी लाभ वैसे ही है, सर्वमायु रहती, योग जीवती, महान प्रजया पशुर भिर भवती, महान कीर्त्या, और फिर इसलिए आगे कहा कि वर्षंतम न निंदे तत्प्रतम, बरसते हुए की निंदा ना करें। अब बारिश हो रही है, किसी के लिए हानिकारक लग रही है, उसको लग रहा है कि अभी तो मेरा धान कट चुका है, वो रखा हुआ है, बरसात हो गई अभी से, अभी तो गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो बारिश की निंदा करने लगता है। कुम्हार कर सकता है, किसी का अन्न सूख रहा है वो कर सकता है, इसी तरह से और भी किसी का अपना व्यक्तिगत कोई कार्य और बरसने लगे तो निंदा करने लगते हैं। वो बरसना तो हितकर होता है, अतिवृष्टि एक अलग बात है, लेकिन जो बरस रहा है वो हमारे हित के लिए होता है। तो वर्षंतम ना निंदे तद्व्रतम,
और जैसे बादल बरसता है ऐसे कोई दूसरे व्यक्ति किसी पे बरस रहे हो, कैसे बरस रहे हैं आप? बरसने का मतलब क्रोध अगर ले रहे हो तो वो नहीं कह रहा हूं, बरस पड़ता है ना, बोले तो मैं तो जैसे ही गया और थोड़ा सा और वो तो मेरे पे बरस पड़ा बस, वो बरसना अलग चीज है, वो तो क्रोध में बरसना है, वाणी की बौछार कर देता है, वो बरसना नहीं, लेकिन कुछ दे रहा है, कृपा को बरसा रहा है, सेवा को बरसा रहा है, ऐसे कुछ भी सहयोग दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, हमारी रक्षा बरसा रहा है, प्रेम बरसा रहा है, स्नेह बरसा रहा है, ऐसे जो भी बरसा रहा है, ये अच्छी चीजें जो है, जो बरसता है तो वर्षंतम ना निंदे, तो जो बरसा रहा है उसकी निंदा नहीं करे, हानि हो जाएगी, खुद की हानि हो जाएगी। ये व्रत है, बहुत बड़ा व्रत है, दूसरा हमारे पे बरस रहा है और हम उसकी निंदा कर रहे हैं, या जो समाज पे बरस रहा है, राजा के लिए भी तो ये उदाहरण आता है अपने यहां पर, कि कवियों ने कहा कि राजा कैसा, जैसे कि मेघ समुद्र से पानी को लेता है, समुद्र से अपहृत करता है एक तरह से, और मेघ बन के सबको लुटाता है, बरसता है अच्छे अर्थों में, वह ऐसे राजा करों को लेवे और करों को लेके और जनता के हित के लिए लगाए, ये राजा का बरसना है। तो ऐसे जो उचित ढंग से बरस रहा है उसकी कभी भी निंदा ना करें, हाँ जो अच्छा है बरस रहा है, किसी भी ढंग से बरस रहा है उसकी निंदा नहीं करें, उसकी प्रशंसा ही होनी चाहिए, कम से कम निंदा नहीं करें, क्योंकि अच्छे कार्य का जब भी हम विरोध करते हैं अधर्म ही करते हैं, अधर्म को बढ़ाने में हम सहयोगी बनते हैं, धर्म को रोकते हैं, हम धर्म को रोकते हैं, धर्म की हानि करते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, दूसरा कोई कर रहा है तो उतना ही अच्छा है ना, कम से कम रोके तो नहीं, हम नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, कम कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम अच्छे करते हुए को तो ना रोकें। तो जो बरस रहा है वर्षंतम ना निंदे तत्व्रतम, इस वृष्टि के लिए भी है, ये सामान्य वृष्टि जो भौतिक है इसको व्यापक रूप से भी हम देखें, ये भी साम की उपासना है, ये वैरूप साम की उपासना है। और आगे देखिए, एक वैराज नाम का साम होता है, वैराज 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 साम का एक नाम है, तो कोटा में जैसे एक है उसको बैराज बोलते हैं, जो बांध होता है ना कोटा बैराज, बैराज ही बोलते हैं ना उसको, वो एक अलग शब्द है बैराज, वैराज ये साम से संबंधित है, इसको ऋतुओं में प्रोत मान रहे हैं, ये ऋतुओं से जुड़ा हुआ है, कैसे? तो वसंतो हिंकारो, पहले भी आया था ये वसंतो हिंकारो, वसंत हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्तावो, वर्षा उद्गीत, शरद प्रतिहारो, हेमंतो निधनम, एतत वैराजम ऋतुषु प्रोक्तम, ये पांच ऋतुएं जो थी, पांच भाग थे, खंड थे, प्रस्तावादी पहले भी पांच बताए थे, शिशिर को छोड़ दिया था, ये पांच जो हैं इसमें, या उसका अंतर्भाव कर लेंगे, हेमंत के अंदर पूरी शीत ऋतु का अंतर्भाव कर लेंगे, पूरा साल का हो गया, तो वैराज साम जो है वो इनमें प्रोत है। तो जो ये जान लेता है स एवं एतत वैराजम ऋतुषु प्रोतम वेदा, ऋतुओं में ये भी प्रोत है, इसको जान लेता है, तो विराजति प्रजया पशुभेर ब्रह्मवर्चसे न, वैराज साम है तो वो विराज लेता है, विराजमान हो जाता है ना, जैसे राजा विराजमान हो रहे हैं, वो विराजमान होते हैं, वो सिंहासन पे विराजमान होते हैं, तो विराज ना वो ऊंचा होता है, और इधर राजस्थान में और इधर बोलते हैं विराजिए, कोई आता है बैठिए की जगह पे, उसको बैठिए उतना आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक नहीं माना जाता, बैठो बैठिए वैसे भी आदर पूर्वक है, लेकिन विराजिए 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 बोलते हैं, विराजिए मतलब जैसे कि सिंहासन पे कोई बैठता है, सुशोभित होइए, दीप्तिमान होइए, आप बैठिए और आप प्रकटित होइए, अपने गुणों को बढ़ाइए, गुणों को प्रकट कीजिए, आप अपने गुणों को प्रस्तुत कीजिए, विराजिए आप सुशोभित होइए यहां पर, ऐसे यानी आदर पूर्वक कर, आप बैठिए और यहां बैठने से आप सुशोभित होंगे, आइए यहां पर आप सुशोभित होंगे, विराजिए। तो इन्होंने कहा विराजति प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन, प्रजा पशु और ब्रह्मवर्चस से वो विराजित हो जाता है, खूब दीप्त हो जाता है, खूब बढ़ जाते हैं उसकी चीजें, सुशोभित हो जाता है।
बाकी समान है, सर्वमायु रेति योग जीवती महान प्रजया पशुभिर भवती महान कीर्त्या, इसलिए आगे कहा ऋतु न निंदे तद्व्रतम, ऋतुओं की निंदा ना, कोई किसी ऋतु की निंदा करता है, कोई किसी ऋतु की निंदा करता है। अब राजस्थान में कोई बारिश की तो वृष्टि की तो कोई भी निंदा नहीं करेगा, गर्मियों की निंदा कर देते हैं, गर्मी की निंदा कर देते हैं और सर्दियों की भी निंदा करते हैं। वैसे अधिक निंदा किसकी होती है, गर्मी की या सर्दियों की? गर्मियों की अधिक निंदा होती है, हैं? जब खूब गर्मी पड़ती है तब बोलते हैं, तो बहुत गर्मी पड़ती है वहां पर निंदा का भाव है, और जहां ठंड पड़ती है यहां तो बहुत ठंड पड़ती है, तो ये निंदा का भाव आता है या प्रशंसा का भाव आता है? निंदा का आता है, बोली के ऊपर नहीं, आप सामान्यता देखो, बहुत ठंड पड़ती है वहां तो। अब वैसे तो निंदा है, इतनी ठंड पड़ती है वहां रहा हूं मैं, यहां क्या? अब ये जो ठंडे प्रदेश हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ लोग रहते हैं यहां पर, अधिक संपन्न लोग रहते हैं, अधिक पढ़े हुए रहते हैं, तो जब भी कहे ना इंग्लैंड में बहुत ठंड पड़ती है, वहां बहुत ठंड पड़ती है, वो निंदा में नहीं लिया जाता है, यहां क्या है कुछ भी ठंड नहीं पड़ती है, वहां तो बहुत ठंड पड़ती है। पंजाब हरियाणा वाले बोलेंगे बहुत ठंड पड़ती है वहां पर, यहां तो क्या है कुछ भी नहीं पड़ती है ठंड, वो ठंड पड़ने को भी प्रशंसा के रूप में लेते हैं, और गर्मी को देखेंगे तो राजस्थान बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने को निंदा के रूप में लेंगे, गर्मी अधिक हो रही है और ठंड अधिक पड़ रही है उसको वैसे निंदा में नहीं, कष्ट होता है वो बचते हैं कुछ तो, उतना तो ठीक है, लेकिन आप सामान्य रूप से प्रयोग करके देखो, देखना आप लोगों को, तो ठंडक को जब अधिकता में कहेंगे ना, और तो वहां लद्दाख में, ले लद्दाख में शून्य से भी 10-15 इतने डिग्री तापमान होता है ऐसा, और वो बोलते हुए गर्वित होता है थोड़ा, और इधर राजस्थान में यूं बोले कि 45-48 इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तो वो गर्वित नहीं होता है कि वहां इतना तापमान होता है, ऐसे नहीं करता है, वह इस ठंड में कहेगा कि यहां तो -2 डिग्री 3 डिग्री हो जाता है, वो बोलते हुए गर्वित होता है। लोगों का सामान्य व्यवहार आप देखना, जबकि यूं तो गर्मी भी जैसे कष्ट दे रही है तो ठंडक भी कष्ट देती है, अलग अलग कष्ट है दोनों के, लेकिन फिर भी कथन हमारा समाज में ऐसा चल गया है कि ठंडी अधिक हो तो वो, क्योंकि ऐसे प्रदेशों में होती है उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां रहने वाले और वहां की और वो चीजें चूंकि अच्छी होती हैं तो वहां की ठंड भी अच्छी मानी जाती है, और जहां गर्मी पड़ती है, सूखा है, लोग निर्धन है, तो वहां की हर चीज खराबी मानी जाती है, वो गर्मी भी अधिक खराबी मानी जाती है। देखा ऋतु न निंदे, ऋतु की निंदा नहीं करे, तत्व्रतम, ये भी एक व्रत है, अब हम करते ही रहते हैं निंदा तो, क्योंकि ऋतु की निंदा करना एक तरह से प्रकृति की निंदा है, एक तरह से परमात्मा की निंदा है। एक तरफ हम कहते हैं कि परमात्मा ने विविध ऋतुएं बना के दी, हम बड़े उपकृत होते हैं, भावुक होते हैं, देखो परमात्मा ने कितनी ऋतुएं बना के दी और विभिन्न ऋतुओं के होने से तरह तरह के फल होते हैं, भारत ऐसा महान देश है जिसमें 6 ऋतुएं होती है, सब देशों में 6 ऋतुएं नहीं होती, कई 2 होती है और कई लंबी लंबी होती है, वहां पर ठंडी बहुत लंबी चलती है, थोड़े दिन के लिए वसंत आता है, थोड़े दिन के लिए गर्मी आती है बस, या बारिश ही चलती रहती है, जहाँ अलग अलग होता है, लेकिन जो भी ऋतु है जहां भी है, परमात्मा ने जैसी भी व्यवस्था की है इस पृथ्वी के ऊपर कहीं भी, वो हमारे हित के लिए की है, सबके अपने अपने लाभ हैं अलग अलग क्षेत्र में, तो ऋतु न निंदे, ऋतु की निंदा ना करें, परमात्मा ने बुद्धि दी है उसका उपयोग करके जो बचना है वो बच ले, लेकिन ऋतु की निंदा क्यों, ऋतु की निंदा क्यों, ऋतु तो ठीक है जैसी है परमात्मा ने बनाई है, तो ऋतु न निंदे, ऋतुओं की निंदा ना करें। किन्हीं को पूछना है कुछ नहीं, देखिए फिर एक और देखिए, शक्वरी छंद, शक्वरी शक्वरी साम के बारे में कह रहे हैं, एक साम का नाम है और उसको अलग अलग लोकों में घटाया, तो पृथ्वी में हिंकारो, पृथ्वी हिंकार है, अंतरिक्षम प्रस्तावो, अंतरिक्ष प्रस्ताव की तरह है,
देव उद्गीत है, द्युलोक उद्गीत की तरह है, दिशा प्रतिहार है, दिशाएं प्रतिहार की तरह है, समुद्र निधनम समुद्र निधन के समान है। एताह शक्वरियो लोकेशु प्रोक्ता, ये जो शक्वरी साम है ये लोकों में प्रोत है, इन लोकों के अंदर ये पोत है। स या एवं एता शक्वरियो लोकेशु प्रोता वेदा, जो इनको जान लेता है तो क्या हो जाता है, लोकी भवती, लोकी हो जाता है, लोक वाला हो जाता है। ठीक है, औ की मात्रा ओ की मात्रा है या औ की मात्रा नहीं है, लौकी होती है घिया जो होती है, लोक वाला हो जाता है, इन लोगों का स्वामी हो जाता है, इन लोगों का वो लाभ उठा लेता है। लोकी भवती सर्वम आयु रहती जोग जीवती महान प्रजया पशुवीर भवती महान कीर्त्या। अब आगे कहते हैं एक और व्रत बताया, लोकान न निंदे तद्व्रतम, लोगों की निंदा ना करें, पृथ्वी लोक हो चाहे अंतरिक्ष हो चाहे द्युलोक हो, जितने भी लोक हैं उनकी निंदा ना करें। इन सब लोगों की अपनी अपनी उपयोगिता, इसी रूप में ये उपासना हो गई। अब एक तरह से कोई शक्वरी साम की उपासना करता है, उसने इन लोगों की उपासना की और उसको समझ में आ गया कि ये सारे लोक हमारे लिए हितकर हैं, मैं किसी की भी निंदा नहीं करूंगा। साम का ऋचाओं को लेके उस पर साम गान करने का क्या प्रयोजन है, उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, इससे ईश्वर के प्रति भाव बनता है, प्रीति बनती है, श्रद्धा बनती है, उसके प्रति हम नतमस्तक होते हैं, यही तो प्रयोजन है वहां भी। और जब इन लोगों को देखते हुए, इन ऋतुओं को देखते हुए, इन चीजों को देखते हुए वो समझ रहा है कि देखो ये कैसी कैसी चीजें बनाई हैं, इनके क्या क्या लाभ हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है, ये भी साम की उपासना और इसकी भी परिणति वहीं पहुंचेगी, ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा प्रेम आदर नतमस्तक होना कृपा को मानना, ये सब वही वो भी वहां पर जुकतों पहुंच जाएगा। वो व्यक्ति इधर शब्दों के माध्यम से पहुंच रहा है, इधर प्रकृति के माध्यम से पहुंच रहा है, इन चीजों के माध्यम से पहुंच रहा है। और वेद दोनों प्रकार का काव्य है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों है। श्रव्य काव्य सुनकर के हम जो वेद मंत्र और उससे भी करते हैं वो भी एक तरीका है, और दृश्य काव्य भी है वो भी काव्य है परमात्मा का, दोनों ही काव्य हैं। और दोनों में उन दोनों काव्यों को पढ़ के हम वहीं तक ही पहुंच सकते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया एक एक करके बताई जा रही है, उस साम के यानी श्रव्य जो काव्य है उसमें जो गान करते हैं उसको इधर भी घटा के बताया जा रहा है कि ये जो दृश्य काव्य है इसमें भी तुम ऐसे ही कर करके वहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि अंतिम प्रयोजन वही है, ईश्वर के प्रति वो भाव पैदा होना। तो इस तरह भी हो सकता है, वहां जैसे विविध साम है वो ही साम जैसे कि यहां इस ढंग से यहां पर हो सकते हैं, है प्रतीकात्मक ही। अब उसमें बहुत ज्यादा कोई तर्क करे कि ये साम यहीं क्यों घटाए, इसकी जगह यहां कर देते तो क्या होता, उसका कोई बहुत उत्तर नहीं है उस तरह का। हो सकता है कुछ रहस्य हो उन्होंने बताया, लेकिन यहां तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इसको प्रतीकात्मक रूप में समझना चाहिए, चलो इसके समान ये कर लिया, इसके समान ये समझ लिया, इसके समान ये समझ लिया, थोड़ी बहुत समानता मिल गई ठीक है, नहीं तो बस बता रहे हैं कि इनमें भी साम की तरह से उपासना कर सकते हो, ये दृश्य काव्य और ये परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। उपासना का प्रयोजन ही हमारा यही है, अध्यात्म का प्रयोजन ही यही है, ईश्वर के प्रति हमारे भाव अधिक से अधिक बन जाए, उसी में हमारा अध्यात्म मार्ग आके उद्घटित हो जाता है, हम उसमें बढ़ जाते हैं। आज का इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शुक्र।